आज तो बड़ी दुविधा है कि पहली हेडलाइन कौन सी हो। जीडीपी गिर करके 5% हो गया, ये बड़ी हेडलाइन है, या देश के 10 सरकारी बैंकों को अब विलीन करके 4 बैंकों में तब्दील कर दिया गया है। अपना अपना चॉइस है, मीडिया अपने अपने हिसाब से तरजीह देगा इन खबरों को, लेकिन अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा बुरी खबर ये है कि देश की इकोनॉमी में स्लोडाउन कितना है कि नहीं है, ये डिबेट आज ख़त्म हो गई, क्योंकि इस साल के पहले क्वार्टर का जो जीडीपी का नंबर आया है वो 5% है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले बहुत कम है और ये 7 वर्षों का लोएस्ट है। इससे क्या पता लगता है, जो डेटा आया है उससे ये पता लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह से गिरी है, एग्रीकल्चर आउटपुट बुरी तरह से गिरा है, लेकिन जो सबसे डरावना आंकड़ा है वो ये है कि प्राइवेट कंजम्पशन गिर करके 3% पर आ गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 7% के आसपास था। प्राइवेट कंजम्पशन ही हमारे देश की इकोनॉमी को चलाता है, तो हमारे यहाँ अगर कंजम्पशन कोलैप्स हो गया है तो ये सबसे बड़ी हेडलाइन है, सबसे बुरी खबर है। आपने खबरें देखी होंगी इन दिनों अचानक कि अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ऑटोमोबाइल में बड़ी क्राइसिस है, तो लोग डीप डिस्काउंट देंगे ताकि किसी तरीके से सेल्स पिकअप हो जाएं। लेकिन अगर मुझे ये स्लोडाउन की जानकारी है और अगर जानकारी है कि शायद ये स्लोडाउन जल्दी से रुकने वाला नहीं है, तो हो सकता है कि आगे और डिस्काउंट मिलने वाला हो, तो मैं अभी इस फेस्टिवल के पहले खरीदूं या थोड़ा रुक जाऊं और बाद में खरीदूं। कंपनियां बेचैन हैं, तरीके ढूंढ रही हैं, लेकिन ये डाइसी एरिया है, पता नहीं आगे चल करके क्या होगा। अगर मैं अपनी खरीदने की डिसीजन को पोस्टपोन करता हूं, इसका मतलब ये है कि फिर कंजम्पशन और डिमांड पिकअप नहीं होगा और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर आने वाले कुछ और क्वार्टर्स में बुरा असर बना रह सकता है। अब एक और चर्चा चली है कि शायद पहली बार सरकार में एक एक्नॉलेजमेंट आया है, एक रिकॉग्निशन आया है कि हाँ, देश मंदी की गिरफ्त में है, इसको रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ कदमों का अनाउंसमेंट आया है, लेकिन उसमें एक बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न ये है कि आज का कोई भी सरकारी एक्शन कंजम्पशन और डिमांड की प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो FDI का अनाउंसमेंट आया है वो डिमांड की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता, वो सिर्फ आपकी कुछ सहूलियतें बढ़ाता है और ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, एक दिन में बन करके नहीं आते। दूसरी बात है PSU बैंक के रिफॉर्म का जो सिलसिला चला और आज जो एक बड़ा अनाउंसमेंट आया, उसका ये अर्थ नहीं है कि ये मंदी के रिस्पॉन्स में आया है। इसको बिग बैंग रिफॉर्म के तौर पर प्रस्तुत भले ही किया जाए, लेकिन आपको याद दिला दें कि इसके पहले 2 बड़े मर्जर हो चुके हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये होना था, ये एंटिसिपेटेड डेवलपमेंट था। दरअसल जनवरी से बात चल रही थी और अप्रैल मई महीने में चुनाव के कारण सारी तैयारी होने के बावजूद उस वक्त ये अनाउंसमेंट नहीं आया और उम्मीद थी कि सरकार जब पावर में आएगी दोबारा तो तुरंत ये अनाउंसमेंट आ जाएगा। दरअसल उसमें भी 3 महीने और लग गए हैं, इसको डिले ही समझिएगा। सबसे बड़ा सवाल एक और है कि एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया था सरकार ने, वो था कि FPI और DI के कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज जो था, टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज था वो हटा लेंगे और इससे शेयर बाज़ार का मूड ठीक हो जाएगा और शायद उससे भी एक अच्छा सिग्नल जाएगा, क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट को सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ भी बैड न्यूज़ है और वो बैड न्यूज़ ये है कि FPIs इस पूरे हफ्ते में नेट सेलर रहे हैं। आज थोड़ी खरीदारी हुई है लेकिन उसको भी सीरियसली लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो गृह फाइनेंस में शेयर बेचने के कारण आई है, जो HDFC का एक कंपनी थी। यानी कि नेट सेल अगर हो रहा है तो इन्वेस्टर का अभी भरोसा आपके उपायों पर नहीं बना है, ये एक चिंता की बात है। तो आने वाले दिनों में ऐसे और अनाउंसमेंट आते रहेंगे, बहुत जल्दी ही किसी तरीके से क्रेडिट ऑफ टेक हो जाए जो कि लोएस्ट पर है, उसके बारे में अनाउंसमेंट आएगा। रियल एस्टेट जल्दी जॉब क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में अनाउंसमेंट आएंगे और ये सब मिडिल क्लास, अर्बन एरियाज, MSMEs के मूड को ठीक करने के लिए होगा। लेकिन मूल समस्या का समाधान, कोर समाधान जो है, वो अब जिस परिस्थिति में हम पहुंच गए हैं वो हमको विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर आप टैक्सेशन में डीप कट नहीं करेंगे, छोटा मोटा नहीं, डीप कट नहीं करेंगे, तब तक आप कंजम्पशन को बूस्ट नहीं दे सकते, डिमांड नहीं आ सकती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता और इन्वेस्टमेंट को एक जो छलांग चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब सरकार के पास जब RBI से एक एक्स्ट्रा 50-60 हज़ार करोड़ रुपए आ गए हैं और इस वक्त जो परिस्थिति है उसमें फिस्कल डेफिसिट के पाथ पर वो चलना चाहती है, इस पर कोई बहुत जिद करे ये ज़रूरी नहीं है। होना ये चाहिए कि इस वक्त टैक्स की रेट में बड़े पैमाने पर कटौती कर दी जाए, उससे ही एक फंडामेंटल बदलाव आएगा।
बाकी जो बदलाव आने वाले दिनों में आप पेश करेंगे, आप कहेंगे कि ये रिफॉर्म बहुत बड़ा है। दूसरे जो सिनिकल लोग होंगे या जो क्रिटिकल लोग होंगे या जो रैशनल लोग होंगे, वो कहेंगे ये सब बैंड एड है और ये फंडामेंटल चीज़ों को नहीं बदलता। एक और लफ्ज़ आप सुनते हैं कि ये साइक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है। ज़्यादा विवाद ये रहता है कि नहीं जी शायद ये साइक्लिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब समस्याएँ स्ट्रक्चरल पैदा हो गई हैं और ये कहने का कोई मतलब नहीं है दूसरे देशों की तुलना में हमारी ग्रोथ रेट अभी भी ठीक है। ग्लोबल हेडविंड हैं, ट्रेड वॉर के कारण हो रहा है। हिंदुस्तान के ग्रोथ की स्टोरी अभी तक मूल रूप से घरेलू फैक्टर्स पर आधारित है और उसी पर से चलेगी। और अगला जो एक पड़ाव होगा टैक्स के डीप कट के अलावा, वो होना चाहिए सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो लगातार गिरावट आई है उसमें तुरंत यू टर्न मारा जाए। और अगर आपने RBI से इतने पैसे ले लिए हैं तो आप उनको उन कामों में लगाएं जो प्रोडक्टिविटी और जॉब क्रिएट करें। और एक चीज़ करनी होगी जिस पर अभी चर्चा कम हो रही है, लेकिन वो है कि आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने के बारे में एग्रेसिव होंगे या नहीं होंगे। और जब एक्सपोर्ट पर एग्रेसिव होने की बात होगी तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लैंड और लेबर के ज़्यादा बड़े सवाल खड़े होंगे, उनको एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे। नेट दरअसल परिस्थिति अब जो है थोड़ी सी अर्जेंट है, थोड़ी सी इमरजेंसी वाली है और यहाँ पर होम्योपैथी का उपचार बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सारे बूस्टर डोज दरअसल होम्योपैथी के में इंजेक्शन नहीं हो सकता, इंजेक्शन एलोपैथिक में होता है जो फंडामेंटल बदलाव करता है। तो आपको साइंस के दूसरे तौर तरीके निकालने पड़ेंगे। ये बैंडेड वाला और ये प्रोसीजरल चेंज वाला काम नहीं चलेगा। 5% का GDP का गिरना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ी गवाही है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इस वक्त जो अपने ड्राइंग बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बैठी हुई है, हमको ये जानकारी है कि गवर्नमेंट में इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे बड़ी थिंकिंग चल रही है कि अब क्या क्या प्रायोरिटी में किया जाए। उसमें बड़ा साफ है कि अगर आप कंजम्पशन को बूस्ट नहीं देते, टैक्स को कट नहीं करते, तब तक सेंटिमेंट बदलने वाला नहीं है। और इन कामों को ज़्यादा देर से नहीं करके अगले इसी क्वार्टर में करना चाहिए, वरना ये जो आशा है कि 2 क्वार्टर कठिनाई के हैं निकल जाएंगे, फिर हम कह देंगे वर्स्ट इज़ ओवर और इसके बाद तो जब जिस जगह से हम गिरे हैं वहाँ से इम्प्रूवमेंट तो होना ही है। लेकिन ये कोई तसल्ली का काम नहीं होगा और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े सपने, जो टारगेट हमने बनाए हैं 8% ग्रोथ वाले, वो कहीं से पूरे नहीं हो पाएंगे।